नमस्कार भी देख रहे हैं आप आज गणतंत्र दिवस है सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और इसी को लेकर के पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है इसी बीच बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति कभी भी स्थिरता नहीं धारण करती है आपको बता दें कि जिस तरह से जो अवार्ड की घोषणा हुई है स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर के घोषणा हुई है उसके बाद जहाँ उसी बात को लेकर के चिराग पासवान ने भाजपा के साथ सासगार्ठ करने की कोशिश की है वही दूसरी ओर अगर बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को जो रत्न है वो नहीं मिलने पर जो भारत रत्न है वो नहीं मिलने की दशा पर जो है इस स्थिति पर श्याम रजक ने नीतीश कुमार को ही घेर दिया है यानी कि आज भी राजनीति बिहार में छुट्टी पर नहीं है बिहार में राजनीतिक अवकाश नहीं होता है ऐसे में आज अगर बात करें तो पटना के गांधी मैदान में भी झंडोत्तोलन किया गया झांकियाँ प्रस्तुत की गई साथ ही साथ बड़े जो है और सारी चीजें जो है प्रदर्शित की गई बिहार के विकास की गाथा बिहार में किस क्षेत्र में विकास हो रही है अलग अलग विभाग की झांकियाँ थी सभी ने अपना अपना प्रदर्शन किया और सरकार की बेहतरी को जो है जनता के सामने रखने का फैसला लिया ऐसे में बिहार के राज्यपाल फागु चौहान ने झंडोत्तोलन के बाद संबोधन करते हुए एक बड़ी बात दी उन्होंने कहा कि बिहार में जो कोरोना काल में बिहार की जनता ने काफ़ी कॉपरेट किया जिससे बिहार में कोरोना की जो संख्या जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाई कोरोना से जो मरीज़ थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाए और रिकवरी रेट भी बेहतर रही इसके लिए उन्होंने कहा कि अब कोरोना में जो टीका का दौर शुरू हो गया है कोरोना काल के बाद सबको कोरोना का वैक्सीन लगना है तो ऐसे में राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है राज्यपाल फागू चौहान ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा पटना के गांधी मैदान से उन्होंने कहा कि बिहार के हर एक नागरिक को कोरोना का निशुल्क टीकाकरण कराया जाएगा यानी कि जो भी बिहार के नागरिक हैं बिहार में रहने वाले लोग हैं बिहार से सरोकार रखते हैं उन्हें राज्य सरकार जो है फ्री में वैक्सीनेशन कराएगी ये बात आज पटना में झंडोत्तोलन के बाद बिहार के राज्यपाल फागू चौहान कह रहे थे साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हर क्षेत्र में हर वर्ग के विकास के लिए जो है दृढ़ संकल्पित है और इसी को लेकर के इसी एजेंडे को लेकर के बिहार सरकार आगे बढ़ रही है साथ ही उन्होंने कहा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना भी कही और की और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपने विकास के एजेंडे को लेकर के लगातार आगे बढ़ रही है लेकिन एक बड़ी बात जो सामने उन्होंने कह दी कि बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो कुछ भी अलग अलग बातें तरक्की चल रही थी इन सभी बातों पर जो अटकलें चल रही थी उन सभी बातों पर उन्होंने विराम लगाया और विराम लगाते हुए उन्होंने कह दिया उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार में कोरोना वैक्सीन जो है सभी लोगों को निशुल्क दी जाएगी और सभी जितने भी बिहार से संबंध रखने वाले लोग हैं उन तक कोरोना वैक्सीन फ्री में पहुंचाई जाएगी राज्य सरकार का एक ये बड़ा कदम है और ऐसे में जब एक राष्ट्रीय पर्व के दिन इस बात की घोषणा हो जाती है औपचारिक तौर पर घोषणा होती है तो ये बातें कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के दिल में जा के बस जाती है बड़ी रही बात है के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की बहुत बहुत धन्यवाद अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर वह मुफ्त में मिल जाए अगर वह हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी त ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली नाइन थ्री एट सिक्स एट वन सिक्स सेवन डबल जीरो धन्यवाद